अब डाल देते हम लोग अंडा धीरे धीरे करके। हाँ। करने के बाद भी छिटका है, अगर पानी नहीं होगा ना इसीलिए तब तक हम अंडा फ्राई करते देखिए सामने छीटा मारता। ये रहा चावल, ये रहा रोटी, ये रहा अंडा करी, प्याज, ये पापड़ इनका। प्याज, अंडा करी, रोटी और चावल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सबको अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। हम लोग सब अच्छे हैं और खुश हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं बताइए। आज हम लोग बनाएंगे अंडा कड़ी और भात, सिंपल। हाँ, क्या? हाँ, क्योंकि कड़ी के साथ चावल का मजा ही कुछ और है, गरम गरम है कि नहीं? अंडा कड़ी और गरम गरम भात। मौसम भी अच्छा है तो इस मौसम में गरम गरम अंडा कड़ी और गरम गरम चावल खाते हैं। तो हमारे ब्लॉग पे बने रहिए दोस्तों, और हमारे ब्लॉग को देखिए कि हम लोग अंडा कड़ी और चावल बना रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा है हम लोग लास्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अंडा बॉईल करने के लिए। अंडा और आलू, अंडा के साथ आलू भी बॉईल करेंगे ताकि वो बनेगा जो मेरा ये अंडा कड़ी बनेगा वो अच्छा बनेगा। क्या? तो अभी हम लोग कढ़ाई में ले लिए हैं पानी, पानी के साथ अभी डाल देंगे हम लोग आलू प्लस अंडा। क्या? तो कढ़ाई हम लोग चढ़ा दिए हैं इंडक्शन में, अभी देखते हैं कितना मिनट बाद वो मेरा बॉईल हो जाए। ये कढ़ाई, कढ़ाई में पानी डाल दिए हम लोग, अभी डाल दो इसमें आलू। ये रहा हमारा आलू, ठीक है, और अंडा। 10 मिनट तक काफ़ी है, 10 मिनट में मेरा बॉईल हो जाएगा अंडा। उसके बाद इसको छील देंगे, छीलने के बाद फ्राई कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे अंडा कड़ी। क्या? तो बने रही हमारे ब्लॉग में। ओके, डन। जैसे कि हमने बताया कि आज हमारा बन रहा है अंडा का सब्जी और भात, है ना। आज देखिए अंडा कड़ी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं एकदम, मतलब न ज़्यादा तीखा न ज़्यादा नमक, एकदम मीडियम में। ये देखिए कितना ध्यान पूर्वक प्याज को कटिंग कर रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं? प्याज कटिंग कर रहा हूँ। देखिए कितना बारीक प्याज काट रहे हैं, और ये काट रहे हैं ना, काटिए काटिए अच्छे से दोस्तों, कितना एकदम बारीक काट रहे हैं देखिए। छोटा छोटा कटना पड़ता है, कितना ही अच्छा काट रहे हैं। अब हम लोग प्याज काट लिए, देखिए कितना बारीक काटे, ये देखिए प्याज हमारा पतला पतला। हाँ, अब इसके बाद हम लोग चल रहे मसाला पीसने का तैयारी में। कच्चा मसाला रेडी करेंगे। हाँ, कच्चा मसाला जो भी है रेडी करते हैं, चलते हैं। हम लोग कच्चा मसाला रेडी कर रहे हैं। ये लहसुन छिल रही है, और सामने मेरा है हरी मिर्ची। ये देखिए अंडा कितना जोरों से बॉईल हो रहा है, और अंडा लगभग लगभग मेरा बॉईल हो चुका है, बहुत फास्ट बॉईल हो रहा है। कुछ देर में हो जाएगा, उसके बाद अंडे को हम लोग अच्छे से छील लेंगे, तब तक मेरा ये कच्चा मसाला भी रेडी हो जाएगा। क्या? हाँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में। क्या कर रहे हैं? ये देखिए छोटा सा ओखली में मसाला, मिक्सर में पीस सकते थे लेकिन मिक्सर का मसाला नहीं उतना अच्छा लगता। जब ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तब मिक्सर यूज करना है कि नहीं? मिक्सर में पूरी तरह से वो पीसा जाता है। जब ज्यादा क्वांटिटी में बनाना रहता है ना तब हम लोग मिक्सर यूज करते हैं। अभी हम लोग कम क्वांटिटी बनाए इसलिए इसमें कुछ रही है। देखिए कितना अच्छे से हो रहा है, अभी थोड़ा सा हुआ है, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। अब हम लोग अंडा चेक करते दोस्तों, अंडा चेक करते हैं कि हमारा अंडा बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है, देखने का तरीका क्या है क्या नहीं। देखते अब, देखते हैं अंडा बॉईल हुआ है कि नहीं। देखिए चेक करके बता रहा हूँ, बॉईल हो गया लगता है, फट गया है ना, बॉईल हो गया ना। हाँ, बॉईल हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसको छीलते हैं बढ़िया से, एकदम बंद करते हैं इंडक्शन। हाँ, अभी कढ़ाई में हम लोग ठंडा पानी डाल रहे हैं, ताकि ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद छीलने में सुविधा होगा। हाँ, इसलिए ठंडा पानी डालते हैं अभी। डाल, ये देखिए अभी छीलना चालू करेंगे। आप देखिए दोस्तों पूरा अच्छा से सीज गया एकदम। अभी अंडा अच्छी तरह से छील ले रहे हैं। वाह, कितना चिकन चिकन अंडा।
यस चिकन चिकन अंडा कितना से छिला रहा है देखिए, एक भी मतलब फट नहीं रहा। इधर का अंडा जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया अंडा। हाँ वो तो है, सिर छिलने में दिक्कत नहीं हो रही। हाँ वो तो है, अंडा पूरा अच्छा से छिला के रेडी हो गया अंडा। और हमारा आलू, आलू है ना इधर छिलका रख दिए हैं, आप इसको फ्राई करेंगे। अभी उसको फ्राई करेंगे अंडे को। हाँ अब इसमें फ्राई करेंगे। अब हम लोग तेल डाल दिए हैं। यस अब तेल गरम होने का इंतजार कर रहे हैं। तेल गरम, अंडा भी आप फाड़ दिए ना बीच बीच में, अंडा को हाँ लीक कर दिया हूँ ताकि वो मेरा फूटे ना। हाँ अंडा फटता बहुत जोर से, इधर देखो फाड़ दिए इसको। हाँ ये देखिए लीक कर दिए बीच से, बीच बीच में अंडा ताकि फूटे ना छिटके ना। यस ज्यादा गोलू अच्छे से पलटिए, थोड़ी सी छीटा मार रहा क्या, क्या मार रहा है खाली ले लेते। ये देखिए अब फ्राई हो चुका कितना अच्छे से, देखिए हम लाल लाल फ्राई हुआ, अभी भी छीटा मार रहा है। हाँ एक काम कीजिए, हैंडल में आप कुछ कुछ लगा लीजिए, दूसरे इसको पलटिएगा बीच में पास जोड़ दीजिए, है कि नहीं। हाँ हो गया हो गया। ये देखिए डालते हैं इसमें जीरा। आप क्या क्या डालिएगा इसमें? जीरा, मेरा जीरा गया। अच्छा लाल मिर्च, ये मेरा तेज पत्ता। चलो अभी डाल देते हैं प्याज। अच्छा प्याज ना, वाह प्याज देते, प्याज का सुगंध बहुत अच्छा आता है। मिलाते हैं हम लोग, अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे ताकि थोड़ा सा आलू और प्याज साथ में फ्राई हो जाएगा, है ना। तो प्याज जल जाएगा, पहले प्याज फ्राई कर लेंगे फिर आलू करेंगे तो प्याज वगैरह चेंज हो जाएगा। ये देखिए वाह सब आलू डाल दिए हैं, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। कब तक फ्राई करना है? जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तो फिर लाल होंगे ना, रेड रेड दिखेगा। अच्छा हाँ अब ये मेरा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, आलू प्याज और ये गया मेरा टमाटर। टमाटर डाल दिए, अभी मसाला डालेंगे क्या? मस्त मसाला, कच्चा मसाला मेरा, ये देखिए कच्चा मसाला गया। अभी इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और मिलाएंगे, उसके बाद मेरा अंडा रेडी हो जाएगा बनके क्या, अंडा कड़ी इस पर खाएंगे मज़ा से। हल्दी, जीरा, धनिया और ये मेरा सब्जी मसाला, थोड़ा थोड़ा करके सब डाल दिए क्या। अब इसको बढ़िया से फ्राई करेंगे हम लोग, एकदम मस्त दिख रहा है जैसे, वाओ वेरी नाइस। देखो दोस्तों अच्छे से हम लोग भूंज लेंगे, थोड़ा लटक रहा था, थोड़ा पानी दे दे के भूंज लेंगे। ये देखिए पानी दे दे के थोड़ा देर भूंजे हैं, कितना अच्छा कलर आया है देखिए, देख सकते हैं। पानी क्योंकि काफ़ी अच्छे से 5 मिनट हम लोग भूंजे, 5 से 7 ज़्यादा ही देर हम लोग भूंज लिए। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे पानी, नमक भी डाल दिए हैं पहले ही, अब हम लोग पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ना और पानी डाल देते हैं। हाँ इतना काफ़ी है, थोड़ा इतना काफ़ी है पानी। अब इसमें बॉईल करने तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला अंडा डाल देंगे। और ये मेरा अंडा कड़ी लगभग लगभग रेडी हो गया है, अब इसमें हम लोग डाल देंगे अंडा। अंडा मिला तो देखिए बनने के बाद कितना ही अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा ढक देते हैं। बहुत मस्त दिख रहा है, ढक दो अभी कुछ टाइम के लिए, इसको हम लोग ढक देंगे उसके बाद उतार देंगे, मतलब बन के रेडी हो चुका होगा तब तक। ये देखिए मेरा अंडा कड़ी बन के बिल्कुल
रेडी हो चुका है और इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं धनिया पत्ता ना, ताकि मेरा टेस्ट बढ़ जाए। एक तो मस्त दिख रहा है क्या, हाँ लाजवाब। अब खा के बताएंगे हम लोग क्या टेस्ट करके कैसा लग रहा है। एकदम मस्त दिख रहा है ये देखिए, एकदम मस्त बन के मेरा रेडी हो गया है। अब हम लोग चावल बनाएंगे। हाँ तो हमारा खाना बन के बिल्कुल ही रेडी है। अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए और हम लोग देखते हैं टेस्ट करके। हम लोग जैसे बताए थे कि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसे है सब्जी का। अब हम लोग ट्राई करते खाने का, पहले ये ट्राई करें। चलिए बताइए कैसा लगा। अभी ट्राई करेंगे तो हमने खाया ही नहीं। हाँ ये मेरा खाना लग चुका है, अंडा कड़ी चावल। ये देखते हमारा खाना, बताइए कैसा टेस्ट करके बताते कैसा है कैसा नहीं। क्या काफी ठंड भी है, सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है क्या, एकदम मस्त सुगंध आ रहा है। बताइए मस्त कैसा लगा, मजा आ रहा है खाने में एकदम। वैसे तो अंडा तो आपका फेवरेट है, कैसे बना अंडा कड़ी चावल, एकदम मस्त लग रहा है। और मेन बात है गरम गरम है ना, और अच्छा लग रहा है कि नहीं, गर्मा गर्म टेस्टी लग रहा है खाने में क्या, अंडा कड़ी एकदम मस्त। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते खाना खाने के लिए, तब तक हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। खाओ टेस्ट करो कैसा लगा, लाजवाब, बहुत अच्छा। गर्मा गर्म खाना खाने में मजा आ जा रहा है क्या, रोटी के साथ भी अच्छा लग रहा है, चावल के साथ भी अच्छा लग रहा है, और साथ में पापड़ है तो और मजा आ जा रहा है, एकदम मस्त मजा आ रहा है। तो पापड़ फाइनली दोस्तों हम लोग खाना खा लिए, खाना वाना खा के रेडी हो गए, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया लगा खाना गर्मा गर्म क्या। हाँ पूरा प्लेट खाली हो गया, एकदम मजा आ गया खा के। हाँ, क्या हाँ, गरम गरम चावल, गरम गरम सब्जी, गरम गरम प्लेट मेरा पूरा खाली हो गया। आपको प्लेट में पापड़ है ही। हाँ तो पापड़ तो खत्म ही है, वो तो खा लेंगे अभी क्या। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, बाय बाय।